स्टूडेंट्स व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट हियर सॉल्यूशन में, वी नीड E of x, that is expected value, and what? Variance, V of x. But students, what x represent? Here x represent the number of the uppermost face on the die. The number on the uppermost face. On the die. Okay. When you play with die, what you will get? क्या मिल सकता है? One मिल सकता है, two मिल सकता है, three, four, five, six. तो how many sample points you will get? Six. जब मैं किसी die को फेंकूंगा तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेंगे. और वही तो नंबर है किसके ऊपर? अपर मोस्ट फेस के ऊपर. तो व्हाट इज एक्स? देयरफॉर एक्स इज व्हाट? आल्सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आने के चांसेस है? हमारे पास एक्स की वैल्यू आने के चांसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6. एग्री? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? आफिया, वन आने के चांसेस कितने हैं इस सैंपल पॉइंट में? विल यू टेल मी वन आने के चांसेस कितने हैं? वन कितने बार आ रहा है? एक बार सर. कितने बार? एक बार. यस, वन आउट ऑफ सिक्स. शावनी, टू आने के चांसेस कितने हैं? वन एक बार. यस, ए बी 1/6. करण, सिक्स थ्री आने के चांसेस कितने हैं? एक बार सर. एक बार, मतलब सब नंबर. अभय, फोर आने के चांसेस कितने हैं? एक बार. यस, तो सब इसका भी आंसर 1/6, 1/6, 1/6. तो यू विल फाइंड इट हियर. अगर मैं सबको ऐड करूं तो एडिशन भी आएगा 6/6, विच इज 1. ये करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन चेक करने के लिए whether our answer is right or not. ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है नहीं, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट द टेबल. हाउ वी कैन फाइंड ई ऑफ एक्स? अभी मुझे ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स? अभी मैं ई ऑफ एक्स के लिए फाइंड करूंगा इतनी मेहनत. ओके, तो हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स? पहले अभी ई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स? यस्टरडे आई हैव गिवन. व्हाट इज द फॉर्मूला? समेशन ऑफ व्हाट? एक्स मल्टीप्लाई बाय पी. मतलब हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बरोबर? उस टेबल में क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? एक्स मल्टीप्लाई बाय पी. विल यू फाइंड आउट टेबल वैल्यू? 1 × 1/6, 1/6, 2 × 1/6, 2/6, 3 × 1/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6. मतलब इफ आई मल्टीप्लाई, ओके, उस सबको मुझे ऐड करना है. तो इफ आई ऐड हियर 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 4/6 5/6 प्लस 6/6. कॉमन डिनोमिनेटर इज 6, तो जस्ट ऐड द न्यूमरेटर. 1 + 2 + 3 = 6. 6 + 6 = 12. 12 + 9 कितना आएगा? 21. 21/6 मतलब कितना आएगा? 6 × 3 = 18. 3 × 6 = 30, 3.5. ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें समझ में आएगा 3 × 7 = 3 × 2 = 7/2, 3.5. तो E of x we got. अभी हमें क्या फाइंड करना है? V of x. ओके, तो व्हाट इज V of x का फॉर्मूला? E of x square minus E of x the whole square. ओके, तो E of x तो ऑलरेडी we got 3.5, उसका क्या स्क्वायर?
ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर? तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी। तो हमें एक्स स्क्वायर इनटू पी फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर इनटू पी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट वी विल स्क्वायर एक्स एंड देन आई विल मल्टीप्लाई विथ पी। तो वन का स्क्वायर इंटू वन बाय सिक्स सेम एज वन बाय सिक्स, टू का स्क्वायर फोर सॉरी मल्टीप्लाई विथ पी, मल्टीप्लाई विथ पी, पी के साथ मल्टीप्लाई करो। मैं ब्लैक से दिखाता हूं, मतलब कलर विल बी वॉट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू पी, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूं, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज वॉट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी। एग्जाम में यू डोंट यूज डिफरेंट कलर पेन, ओके, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू पी, तो एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन इंटू वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स, टू का स्क्वायर फोर सॉरी मल्टीप्लाई विद दिस, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू वन बाय सिक्स फोर बाय सिक्स, नाइन नाइन बाय सिक्स सिक्सटीन बाय सिक्स ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स एंड थर्टी सिक्स बाय सिक्स, ओके। तो जस्ट एड, एड करने के बाद व्हाट आई विल गेट हियर, जस्ट लुक एट द एडिशन, जस्ट एड द न्यूमरेटर, अपॉन सिक्स तो कॉमन रहेगा, जस्ट फाइंड आउट, वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस सिक्सटीन कितना आएगा थर्टी, थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स नाइन्टी वन, हियर आई विल गेट नाइन्टी वन बाय सिक्स। नाइन्टी वन बाय सिक्स मीन्स वॉट? If you want to find, you can find into what decimal also. 19 by 6 कितना आएगा? 6 1 the 6, 6 5 the, okay? उसके बाद 1 बचा, 6 1 the, 4 बचा, 6 6 the 36, again 4 बचा. तो ये 15.166666666 आ जाता है, कहाँ पे भी round up कर दो. तो मैंने लिखा 15.1667, ठीक है? चलो अभी इसको फाइंड आउट करते हैं, 15.1667, 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा? Who will tell me 3.5 का स्क्वायर? तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12, 12.25, ओके? तो आई कैन राइट हियर 15.17 आल्सो इफ आई राउंड ऑफ, बिकॉज पॉइंट के पर यहाँ पे दो ही है ना, तो जस्ट फाइंड आउट टू डेसिमल, तो 15.17 माइनस 12.25, सर माइनस फाइव टू, इलेवन माइनस टू नाइन, फोर माइनस टू टू, 2.92. वॉट इज वेरियंस वी गॉट हियर? 2.92. होप सो यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल, प्लीज कॉपी।